मलिक खुर्रम अवान साहब, आपकी जानिब आता हूँ। आपने नजम सेठी साहब का दौर भी देखा, जकासत साहब का दौर आप हम सब देख रहे हैं, तो इसमें जो मीडिया से दूरी है जकासत साहब की, वो सेठी साहब के दौर में नहीं थी, ये आप समझते हैं? ये बात भी कन्फ्यूजन फैलाने की वजह है। देखिए, आपको पता है कि आजकल मॉडर्न डे में स्पेशली जो मीडिया का रोल है बड़ा वाइटल रोल है, और आपको पता है कि बड़े आप इंफॉर्मेटिव रहते हैं जब आपको मीडिया से न्यूज़ आती रहती हैं। अदरवाइज आपको पता है कि ऐसी मार्केट के अंदर जो है स्प्रेड हो रही होती हैं रूमर्स वगैरह, जो है जो ऑथेंटिकेशन होती नहीं है। और पीसीबी पहले भी आपको पता है कि जिस तरह से मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था, आपको पता है कि पिछले दौर में मैं सेठी साहब नहीं, सेठी साहब से पिछले दौर में भी मैं आता हूँ, जब आपको पता है फहीम अपना बनी साहब जब लगे हुए थे, बर्नी, अच्छा बर्नी है तो वो आईसीसी जी समी बनी साहब लगे हुए थे, तो आपको पता है कि आईसीसी में भी उन्होंने वहाँ काम किया था, तो उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज थी। फिर जिस तरह से मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था, प्रेस रिलीज वगैरह भी आती थी, हर चीज़ें ऑन टाइम हो रही थी। और अभी भी देखें आलिया रशीद आई हैं, आलिया रशीद भी आपको पता है कि बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, बहुत पर अभी तक जो है प्रेस रिलीज के मामले में आलिया रशीद इतनी ज़्यादा फाल नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि आलिया रशीद, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, आप मेरी मुझे तस्दीक करेंगे, आप सब लोग बड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आलिया रशीद के हाथ में भी कुछ मुझे नज़र नहीं आता, कुछ फैसले उनसे बाला बाला ही हो जाते।